पूर्णिमा है स्वयं दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो अपनी नीच राशि तुला राशि में 17 अक्टूबर 2024 से ही गोचर कर रहे हैं। यही सूर्यदेव डिग्री वाइज नीचस्थ अवस्था में कमजोर स्थितियों में पहुंच रहे हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए 28 अक्टूबर 2024 को सूर्यदेव डिग्री वाइज तुला राशि में नीचस्थ अवस्था में डिग्री वाइज कमजोर स्थितियों में पहुंच रहे हैं और आने वाले 16 नवंबर 2024 तक ये तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तो क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है? मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, तो इस समयावधि में किन क्षेत्रों में आपको राहत मिल सकती है? देखिए सूर्यदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा भी प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक ग्रह माना जाता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर सूर्यदेव अगर प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ जीवन के सभी निर्णयों को लेता है। सूर्य का बली प्रभाव कई ग्रहों के दुष्प्रभाव होने के बावजूद भी जीवन में बड़ी बुलंदी और सफलता देता है और सूर्य का बलवान प्रभाव जातक के जीवन में सरकारी, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में भी कम प्रयासों में सफलता प्रदान करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इसका कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। देखिए मेष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं और सूर्यदेव मंगल के परम मित्र और आप माने जाते हैं और आपके कुंडली के त्रिकोण भाव यानी पंचम घर के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि 28 अक्टूबर 2024 को आपके सप्तम घर में ये नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो सप्तम घर में ही डिग्री वाइज कमजोर रहेंगे तो नीचस्थ प्रभाव जो आपको मिल रहा है उसमें कमी आपको मिलने वाली है। तो अब यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले नीच दृष्टि जो आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है उसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों का जो व्यक्तित्व है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और आपके मन में निराशा ज्यादा बनी हुई है, तो आपके मन से निराशा समाप्त होने वाली है। इस समयावधि में आपका जो व्यक्तित्व है पूरी तरह से ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रभावी होता हुआ नजर आने वाला है। सूर्यदेव सप्तम घर में विराजित हैं, नीचस्थ प्रभाव दे रहे हैं, तो दैनिक आय के साधनों में कमी अगर आपके जीवन में है या 17 अक्टूबर से ही अगर आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार के मामले में चल रही दुविधाएं तो समाप्त होंगी, साथ में जो जातक निरंतर प्रयासरत हैं उन जातकों के जीवन में नवीन आय के स्रोतों की प्राप्ति भी जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ यहां पर सूर्यदेव का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों को लेकर शुभता देने वाला है। सूर्य की नीचस्थ अवस्था यहां पर आपको ज्यादा बैड रिजल्ट दे रही थी, तो आपके जीवन में अगर वैवाहिक मामलों में किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही है तो वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही समस्याएं मेष राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है।
इस समयावधि में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के अंदर धैर्य की कमी हुई थी, क्योंकि नीच दृष्टि सूर्य की आपकी राशि के ऊपर पड़ रही थी और आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता भी आपको देखने के लिए मिल रही थी। अब यहां पर जातकों के अंदर पूरी तरह से आपके क्रोध में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और जीवन में कोई भी निर्णय आप शांतिपूर्वक ढंग से लेते हुए नजर आने वाले हैं। अगर आपको चिड़चिड़ापन या आपको बार बार किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर लगातार क्रोध आ रहा था, वो आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कमी आपको जरूर मिलने वाली है और धीरे धीरे जब सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था से निकल जाएंगे तो समाप्त भी हो जाएगी। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में वर्क प्लेस पर आपके कार्य की सराहना होती हुई भी नजर आने वाली है, यानी आपके कार्य की प्रशंसा आपको मिलेगी और आपको सम्मान भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। सूर्यदेव आपके शिक्षा भाव के यानी पंचम भाव के लॉर्ड माने जाते हैं, तो जिन जातकों के जीवन में शिक्षा को लेकर काफी समस्या हो रही है या आपको इस समयावधि में पढ़ाई के मामले में ज्यादा प्रयास के बावजूद भी परिणाम अच्छा नहीं मिल पा रहा है, या मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आपकी विचारधारा नेगेटिव स्थितियों की ओर ज्यादा जा रही है, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के मामले में आपको प्रबल शुभता मिलती हुई दिखाई देने वाली है। और साथ में जातकों के जीवन में सेहत के मामले में सप्तम घर में प्रभावित सूर्य जो नीचस्थ हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आत्मिक साहस की कमी दे रहे हैं, तो सेहत के मामले में चल रही समस्याएं भी आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। आपको इस समयावधि में पुराने समय से चल रही शारीरिक समस्याओं से निजात मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो सूर्य का ये जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। सूर्यदेव जब अपनी नीच राशि में प्रवेश किए थे तो आने वाले 10 दिन तक आपको बहुत ही ज्यादा बैड रिजल्ट मेष राशि वाले जातकों को दिए, लेकिन चूंकि डिग्री वाइज आगे बढ़ रहे हैं तो अब आपको कम परिणाम मिलेगा। जो हमने आपको जानकारी दी है वो ज्यादा परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। सूर्य से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए सूर्य को जलाभिषेक करना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपको शुभ प्रभाव जीवन में देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों को यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं, गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।